कलीसिया प्रेरित संत थॉमस भारत के प्रेरित का त्यौहार मनाती है। इस विशेष दिन में रांची महाधर्म प्रांत हर्षित और उल्लासित है, क्योंकि हमारा भाई ब्रदर निखिल संदीप मिंज, जो मरियमपुर समटोली पल्ली सिमडेगा से आते हैं, आज के उपयाजक के रूप में अभिषिक्त किए जाएंगे। कैथोलिक कलीसिया में तीन तरह के अभिषेक होते हैं, धर्माध्यक्षीय, पुरोहिताई और उपयाजकीय। इस संस्कार द्वारा हमारा भाई कलीसिया में प्रेरिताई के लिए विशेष रूप से चुना जाएगा। पुरोहिताई के लिए आवश्यक इस शास्त्र की पढ़ाई खत्म करने के बाद युवा भाई उपयाजक के प्रेरिताई के लिए चुना गया है, और अंततः 6 महीनों के बाद योग्य पाए जाने पर इनका पुरोहित अभिषेक होगा। उपयाजक के रूप में ये पवित्र आत्मा की शक्ति से विभूषित होकर धर्माध्यक्ष और उनके पुरोहितों की सहायता करेंगे, और वेदी के सेवक बनकर ये सुसमाचार पढ़कर सुनाएंगे, बलिदान की सामग्री तैयार करेंगे तथा विश्वासियों को परमप्रसाद प्रदान करेंगे। धर्माध्यक्ष की आज्ञा से विश्वासियों और अविश्वासियों को प्रवचन देंगे और धर्म शिक्षा देंगे, बपतिस्मा प्रदान करेंगे, विवाह संस्कार में पुरोहित के सहायक बनेंगे, दिव्य संबाल प्रदान करेंगे और दफन की धर्म विधि संपन्न करेंगे। हे ईश्वर, तूने अपनी कलीसिया के शिष्यों को यह आदेश दिया है कि वे अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि भाई बहनों की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। जिस सेवा को द्वास उपयाजक की परिचर्या सौंप रहा है, वह तेरी कृपा से प्रगति कार्य में अथक परिश्रम करे, सहृदय सेवा सत्कार करे तथा प्रार्थना करने में हिम्मत ना हारे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पाठ का मूल वाक्य है, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। तब फिलिप धर्म ग्रंथ के इस प्रश्न को आधार बनाकर उसे यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुंचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? फिलिप ने उत्तर दिया, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। इस पर उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जंगल जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा, फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को अजोतस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 19 से 22 तक। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेतों की नींव पर खड़ा है। आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सर्वप्रथम
उपयाजक उम्मीदवार का चुनाव होता है और विश्वासियों द्वारा सामग्री प्राप्त की जाती है। इस उम्मीदवार का एक लंबे वर्षों तक प्रशिक्षण चलते आया है। वर्तमान में धर्माध्यक्ष थियोडोर मास्करेनस हमारे शिक्षार्थियों के प्रभारी हैं। इस अभिषेक की शुरुआत में श्रद्धेय बिशप थियोडोर मास्करेनस इन्हें सामने प्रस्तुत करेंगे और उम्मीदवार उनका प्रतियुक्त प्रस्तुत हूँ कहकर देंगे। प्रभारी उनकी योग्यता का समर्थन देंगे। तत्पश्चात धर्माध्यक्ष उपयाजक उम्मीदवार को नियम के अनुसार चुनेंगे। प्रायुक्तर में सभी उपस्थित विश्वासी गण ईश्वर को धन्यवाद कहते हुए तालियों की गड़गड़ाहट से सहमति प्रकट करेंगे। उपयाजक अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े। निखिल संदीप मेंज प्रस्तुत हूँ। महामान्य वर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन भाई निखिल संदीप मेंज को उपयाजक का अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ब्रदर निखिल उपयाजक पद ग्रहण करने के योग्य है? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्ति दादा यीशु क्रिस्त के नाम पर हम अपने इस भाई को उपयाजक पद के लिए चुनते हैं। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे भाई निखिल उपयाजक का पद ग्रहण करेंगे। अभिषेक के बाद उसे उपयाजक का अभिषेक दिया जा रहा है। ये आपके संबंधी हैं, आपके मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में उपयाजक के पद पर विचार करें। यद्यपि परिचय वार्ता में इसकी चर्चा हुई है, मैं पुनः एक बार इसकी चर्चा कर रहा हूँ। पवित्रात्मा की शक्ति से विभूषित होकर ब्रदर निखिल धर्माध्यक्ष और उनके पुरोहितों की सहायता करेंगे तथा नम्रता पूर्वक सबकी सेवा करेंगे। वेदी के सेवक बनकर ये सुसमाचार पढ़कर सुनाएंगे, बलिदान की सामग्री तैयार करेंगे और विश्वासियों को परम प्रसाद प्रदान करेंगे। धर्माध्यक्ष की आज्ञा से ये विश्वासियों तथा अविश्वासियों को प्रवचन देंगे और उन्हें धर्म सिखाएंगे, प्रार्थना सभाओं की अध्यक्षता करेंगे, बपतिस्मा प्रदान करेंगे, विवाह संस्कार में पुरोहित के सहायक बनेंगे और विवाह की आशीष देंगे। मरने वालों को दिव्य संबल प्रदान करेंगे और दफन की धर्म क्रिया संपन्न करेंगे। प्रिय भाई निखिल, आप स्वेच्छा से उपयाजक का अभिषेक ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे प्रेरितों ने उदार सेवा के लिए योग्य व्यक्तियों को चुन लिया था, वैसे ही आप भी योग्य पाए गए हैं तथा पवित्र आत्मा और प्रज्ञा से संपन्न होना चाहते हैं। आप ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाकर सेवा करने आए हैं। यही ब्रह्मचर्य प्रेमपूर्ण सेवा का प्रमाण और बल है तथा सफल प्रेरिताएं का स्रोत। आप प्रभु यीशु ख्रीस्त के सच्चे प्रेम से प्रेरित होकर पूर्ण आत्मसमर्पण का जीवन बिताना चाहते हैं। आप ख्रिस्त से संयुक्त होंगे
ईश्वर और मनुष्यों के हित के लिए स्वेच्छा से आप अपने आप को दे देंगे तथा ईश्वरीय जीवन को बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। आप विश्वास में अटल और सुदृढ़ रहें तथा ईश्वर और मनुष्यों के सामने अपने को पवित्र और निर्दोष प्रमाणित करें। इस तरह आप ख्रिस्त के योग्य सेवक और दिव्य संस्कारों के प्रदाता बने। सुसमाचार की प्रतिज्ञाएं न भूलें। आप इन प्रतिज्ञाओं के न केवल ग्राहक बल्कि प्रचारक भी बने। आप ईमानदारी से ख्रिस्त के संदेश पर विश्वास करें और उपदेश और जो उपदेश आप देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। इस तरह विश्वासीगण पवित्र आत्मा से अनुप्राणित होकर ईश्वर के लिए अपने को एक सुग्राह्य तथा निष्कलंक बलि चढ़ा सकें तथा आप अंतिम दिन प्रभु के पास पहुंचकर यह सुन सकेंगे, शाबाश भले और विश्वसनीय सेवक, अपने स्वामी के आनंद में भाग लो। प्रिय पुत्र निखिल, उपयाजक के अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप मेरे हाथों के आरोपण तथा पवित्र आत्मा के प्रदान द्वारा कलीसिया की धर्म सेवा के लिए अभिषेक पाना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ख्रिस्तीय जनता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुरोहितों की सहायता के रूप में प्रेम पूर्वक नम्रता के साथ उपयाजक के कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप संत पौलुस के कथनानुसार निर्मल हृदय से विश्वास का रहस्य सुरक्षित रखना और सुसमाचार तथा कलीसिया की परंपरा के अनुसार वचन तथा कर्म से उसी विश्वास का प्रचार करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। आप ब्रह्मचार्य का जीवन बिताना चाहते हैं, इसलिए क्या आप प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के चिन्ह स्वरूप स्वर्ग राज के लिए ईश्वर और मनुष्य की सेवा करते हुए जीवन भर यह संकल्प पूरा करेंगे? यह मेरा संकल्प है। क्या आप अपनी जीवनचर्या के अनुकूल प्रार्थना का मनोभाव सुरक्षित तथा विकसित करके ईश प्रजा के साथ उसके तथा सारे जगत के हित के लिए ईमानदारी से कलीसिया की दैनिक प्रार्थना पूरी करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप उस ख्रीस्त का निरंतर अनुकरण करना चाहते हैं जिसके शरीर और रक्त को आप लोगों को देते हैं? यह मेरा संकल्प है। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आप उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करेंगे। ये धर्माजज के सामने घुटने टेक कर अपने हाथ जोड़कर अपना हाथ धर्माजज के हाथ में रखकर प्रतिज्ञा करेंगे। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही इसे पूरा करे। प्रिय भाइयों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस दास पर अपनी आशीष की कृपा बरसाए जिन्हें वह उपयाजक का पद प्रदान कर रहे हैं। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रीस्त दया कर, ख्रीस्त
प्रार्थना कीजिए संत मीखाएल। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए संत स्वर्गदूतों। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए संत योहन बपतिस्ता। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए संत पेत्रुस। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए संत पौलुस। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ईश्वर की सब संतों। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आप सब उनका उत्तर होगा, प्रभु हमको बचा। कृपा कर हमारे प्रभु कृष्ण द्वारा। आमीन।
अब इस अभिषेक धर्म विधि के पवित्र एवं प्रमुख क्षण में हम प्रवेश करते हैं। उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के सामने उठी टेकेंगे और उनके सिर पर हस्तारोपण किया जाएगा। अभी समर्पण की विनती होगी जो अभिषेक की प्रार्थना है। पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना की जाएगी कि वे सभी व्यक्तिगत वरदानों से परिपूर्ण हो सकें। भक्तिपूर्व प्रेम, रोगियों की सेवा, नम्रतापूर्ण अधिकार, निर्दोष शुद्धता, सुव्यवस्थित आध्यात्मिक जीवन और पवित्रता में आगे बढ़ते जाएं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी सहायता करने की कृपा कर। तू अधिकारों का स्रोत, वर्गों का निर्धारक तथा पदों का विधायक है। तेरा पुत्र हमारे प्रभु येशु ख्रीस्त, तेरा शब्द सामर्थ्य और प्रज्ञा है। उन्हीं के द्वारा तू निर्विकार रहकर सारी सृष्टि को नया जीवन प्रदान करता और सुव्यवस्थित रखता है। तू अपने शाश्वत विधान के अनुसार हमें समय की आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करता है। तूने यीशु ख्रीस्त का शरीर अर्थात पवित्र कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित किया है और उनके विभिन्न सदस्यों को उसके अपूर्व संगठन द्वारा एकता के सूत्र में बांधा है, जिससे कलीसिया विकसित होती रहे और तेरा आध्यात्मिक मंदिर बढ़ता जाए। तूने विश्वासियों की धर्म सेवा के लिए रोहिताई की 3 श्रेणियों को निर्धारित किया है। प्राचीन काल में भी तूने मंदिर की रक्षा करने के लिए लेवियों को चुन लिया और उन्हें एक चिरस्थायी आशीष के उत्तराधिकारी बना दिया। इसी तरह कलीसिया के प्रारंभ में तेरे पुत्र के प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से 7 ईमानदार व्यक्तियों को चुन लिया और प्रार्थना करने के बाद उन पर हाथ रखकर उन्हें धर्म सेवा का कार्यभार सौंप दिया था। उन सहायकों को पाकर प्रेरितों को प्रार्थना तथा सुसमाचार के प्रचार के लिए अधिक अवकाश मिल सका। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने दास पर भी दया दृष्टि कर, जिन्हें हम तेरी पवित्र वेदियों की सेवा के लिए उपयाचक का पद प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और इन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान कर, जिससे ये तेरी सप्तविध कृपा की सहायता से अपने पद का कार्य ईमानदारी से संपन्न कर सकें। ये सभी सद्गुणों का आदर्श प्रस्तुत करें, अर्थात पाखंड रहित भ्रातृ प्रेम, रोगियों और दरिद्रों की सेवा, नम्रतापूर्ण अधिकार, निर्दोष शुद्धता और सुव्यवस्थित आध्यात्मिक जीवन। इनके आचरण में तेरे नियमों की ज्योति चमकती रहे, जिससे इनकी शुद्धता से आकर्षित होकर विश्वासीगण इनका अनुकरण करें या अपने शुद्ध अंतःकरण से प्रेरणा लेकर ख्रीस्त की सेवा में सुदृढ़ रहे, जो अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने आए थे। इस तरह पृथ्वी पर ख्रीस्त का अनुसरण करने के बाद यह स्वर्ग में उनके साथ राज्य करने योग्य बन जाए। यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। अभिषेक की प्रार्थना समाप्त हो चुकी है। अभी उपयाजक को उनके परिधान स्कंदपट और उत्तरासन पहनाया जाएगा। इसके बाद उपयाजक महाधर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेकेंगे और उनसे सुसमाचार का ग्रंथ ग्रहण करते हुए उनका निर्देश सुनेंगे। उसके बाद शांति का चुंबन ग्रहण करेंगे। के
का सुसमाचार ग्रहण कीजिए जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें, जिस पर विश्वास करें उसे दूसरों को सिखलाएं, और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। मैं इस वक्त ईश्वर के प्रेम को आप सब में देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ। आज के मुख्य अनुष्ठाता अति माननीय धर्माध्यक्ष फेलिस्टोपो येसु समाजी के द्वारा संपन्न किया गया। मैं उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपने मेरी सभी कमजोरियों के साथ स्वीकार किया है और उन कमजोरियों को दूर करने में साथ मिलकर मेहनत की है। आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे रांची महाधर्म प्रांत में स्वागत किया और आज उपयाजक के रूप में अभिषिक्त किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मान्यवर थियोडोर मस्करेनेस रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष को धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि आप पिता के रूप में सख्त अनुशासित मार्गदर्शक के रूप में हमेशा मेरे साथ रहे हैं। आपने न सिर्फ मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है बल्कि मुझे मजबूत होना भी सिखाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं फादर बिपिन को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। यह प्रेरणा मुझे हालत को देख के मिला। मैं विशेष रूप से फादर बिशप तिरस्पर बिलुम, श्रेय फादर दीपक तारो, संत अल्बर्ट कॉलेज के प्रोफेसर गन फादर देनिस केस एवं मांडरपल्ली के पुरोहितों को अपना कृतज्ञता अभाव प्रकट करना चाहूँगा। आप सभों को कोटि कोटि धन्यवाद। अपने माता पिता, दादी, दोनों भाई, आप सभों के सहयोग, मार्गदर्शन, स्नेह, प्रोत्साहन एवं दुआओं का भी परिणाम है। मैं जितना धन्यवाद आप सभों को कहूँ वो कम ही होगा। भगवान की तरफ से हमारे लिए भेजा गया सबसे अनमोल तोहफा हमारे माता पिता ही हैं। मेरे माता पिता मुझे हमेशा जीवन में आने वाले मुश्किल समय और हालातों के लिए तैयार रहना सिखाया है। मुश्किल के वक्त में मेरे माता पिता अपनी सकारात्मक बातों और आशावादी विचारों से उन्होंने मेरे मन में शांति, उत्साह और प्रसन्नता भर दी और मुझे वापस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने को प्रेरित किया। मैं आज अपनी स्वर्गीय माँ को विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा परिचय संसार से करवाया। मुझे यकीन है कि आज वे जरूर गर्व महसूस कर रही होगी और स्वर्ग से मुझे देखकर ईश्वर को धन्यवाद दे रही होगी। मैं श्रेय फादर अनिल एवं ब्रदरों को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इस प्रार्थना घर को सजाया, सही गीतों का चयन कर मधुर स्वरों से आज के धार्मिक समारोह को भक्तिमय बनाया और प्रार्थना करने में हम सभों को मदद किए हैं। आज के इस समारोह को सफल बनाने के लिए हमारे प्रबंधक के रूप में श्रेय फादर अमृत एवं उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ। आज के पर्व के लिए उन्होंने हम सभों के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रबंध किया है। मैं पुनः आप सबकी उपस्थिति के लिए मेरे लिए बहुमूल्य समय देने, ईश्वर से आशीषों की कामना करने के लिए और इस दिन को एक यादगार बनाने के लिए मैं आप सब को दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद कहता हूँ। मैं यहीं पर पवित्र शब्द बनाना चाहता हूँ। वैसे ही हमारे आज के शब्द को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस अवसर के मौके पर विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्यार से हमारे बच्चों की जरूरत मन में रखते हुए उनको जो शिक्षा दे रहे हैं, आगे बढ़ने की मदद कर रहे हैं, इसलिए आर्किशप हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। विशेष करके मैं एक पल्ली संतोली पल्ली को और ये पल्ली पुरोहित को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये निखिल तो आपके पल्ली का एक विश्वास का एक फल है और हमें रांची आर्किडायसिस के लिए एक वरदान है। जो विश्वास आप लोग प्रकट करते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिशप संतोली आएगा तब आपकी और एक बार धन्यवाद। विशेष करके एक इस कन्दान को एमनेस्ट और स्वर्गीय निर्मला रुजारिया दोनों भाइयों के साथ इस बच्चा को बड़ा किया है। काफ़ी कष्ट उठा के कहीं कहीं देश में भी घूम के काम करने के लिए, और आप लोगों का विश्वास, आप लोगों ने जिस तरह उसको इस आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ाया है, आप लोगों को और पूरे कंदान को, रिश्तेदारों को हम धन्यवाद देते हैं। आर्किशप के नाम पे भी मैं धन्यवाद देता हूँ।
और दोनों भाइयों को सिर्फ इतनी याद दिलाता हूँ जो मेरी माँ ने मेरे रूप याचक अभिषेक के समय मेरे भाइयों बहनों को बोला था वो ही बताता हूँ। आप लोग कलिसिया के बाद मिलते हैं उसके अभिषेक के साथ, उसके लिए मदद होना चाहिए, बोझ नहीं होना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। अभी एक खानदान से दूर चल गया कलिसिया की सेवा में, वो ऐसा नहीं सोचना कि यह खानदान की सेवा करेगा, अब खानदान छोड़ दिया कलिसिया का सेवा करेगा, तो इसलिए उससे कुछ भी मांगना नहीं होता है, तो आप लोगों ने मदद देना चाहिए। और मेरे भाई बहन ऐसे करते हैं क्योंकि माँ ने उनको उस दिन उपयाजक के अभिषेक के दिन बताया था। दूसरी चीज बताई थी, यदि एक फादर होता है खानदान में तो उस खानदान पे का फर्ज बनता है अच्छी तरह से एक क्रिश्चियन जिंदगी जीना, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि फादर का भाई दारू पीता है, ऐसा घूमता है, ये करता है, वो करता है। दोनों भाई ही है इसलिए बहनों को कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो आप लोगों का जो व्यवहार होगा वो कलिसिया पे भी प्रभाव करता है। ये थोड़ा सा ये दो चीज़ याद रखना आज के अभिषेक के दिन या फिर से शायद पूरी जिंदगी के लिए याद रहेगा। हमारे बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ तैयार किया है, धीरे धीरे सही लीडर बन रहे हैं, अपने आप सोच के जिम्मेवारी लेके ये काम कर रहे हैं। और फादर लोगों को यहाँ आके हमारे साथ इस मिशा में भाग लेके हमारा आनंद बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु तूने अपने इस सेवक को उत्तम भोजन इन सेवकों को उत्तम भोजन और पेय से तृप्त किया है, ये तेरी महिमा और भाई बहनों की मुक्ति हेतु सुसमाचार प्रचार संस्कारों के वितरण तथा सेवा सत्कार में सदा विश्वस्त पाए जाए, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। अब से दिस इज एन ऑब्लिगेशन टू से द प्रेयर्स डेली। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।